हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना 10th और 12th का सिलेबस रिलीज कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का। फर्स्ट टर्म आपके नवंबर दिसंबर में होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जबकि सेकंड टर्म आपका मार्च अप्रैल में होगा, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कौन कौन सा सिलेबस आपका डिलीट हुआ है और कौन कौन सा चैप्टर आपका आ रहा है, उसमें क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ है, उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस के फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उसमें क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ है। तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, और उसमें आपका डिलीट हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और एक्सरसाइज का बुक एक्सरसाइज का एग्जांपल 2 और 3, और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 डिलीट हुए हैं आपके। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आपको डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं करनी है, और एक्सरसाइज 2.3 आपकी डिलीट हुई है। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करने हैं, बाकी 2 मेथड से सॉल्व करने हैं। चैप्टर 6 ट्रायंगल में कोई डिलीशन नहीं हुआ, यानी ये आपको पूरा कंप्लीट तैयार करना है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट हुआ है, और एक्सरसाइज 7.3। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में रिलेटेड पार्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें आपको एग्जाम्पल 9, 10 और 11 और बुक एक्सरसाइज 8.3 नहीं करनी है। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जो रिलेटेड पार्ट है वो एरिया ऑफ सेगमेंट है। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी कंप्लीट आ रही है, पूरी आ रही है, इसमें कोई डिलीशन नहीं है, तो आपको ये भी आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मैथ्स के सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिलीटेड पार्ट है कम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक्स की पावर 4 वाले क्वेश्चंस, ये आपको नहीं करने हैं। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपका डिलीटेड पार्ट है एग्जाम्पल 16 और बुक एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सब आपने नहीं करने हैं। चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, आपको पूरा करना है। चैप्टर 10 सर्कल भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में डिलीटेड पार्ट है आपका डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, यानी लाइन सेगमेंट को जो आपको रेशियो में डिवाइड करना है वो वाला पार्ट आपको कंस्ट्रक्शन में नहीं करना है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें फर्स्ट टर्म वाला पार्ट आपको डिलीट हुआ है, एग्जाम्पल आपका 12, 13, 14 और एक्सरसाइज 13.4 डिलीट हुई है पूरी। चैप्टर 14 में स्टैटिक्स में आपको रिलेटेड पार्ट है स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं करना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या ओगीव ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं।